Hello everyone, good afternoon to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. And today class, we discuss chapter number 7, Getting to Know Plant. In previous classes, we understand all about this chapter. And today class, we discuss all the question answer regarding this chapter. Question number 1 is, correcting the following statement and rewrite them in your notebook. आपको यहाँ पर काफी सारे स्टेटमेंट्स आपको रेड कलर में दिख रहे हैं. इनमें से कुछ ना कुछ पॉइंट जो है गलत है, उसको हमको राइट करके यहाँ पे रीराइट करना है. okay? स्टेम अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. स्टेम अब्सॉर्ब करता है क्या वाटर और मिनरल को फ्रॉम द सॉइल? नो, आंसर इज रूट. रूट अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. तो स्टेम की जगह पर हम क्या मेंशन कर देंगे? रूट मेंशन करेंगे. ओके, सेकंड पॉइंट इज लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट. जो लीव्स हैं वो प्लांट को अपराइट डायरेक्शन में होल्ड करने का वर्क करती हैं. व्हाट इज कौन करता है? तो यहाँ पर लीव्स को हम कट करके क्या लिखेंगे इसकी जगह पर? स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट. रीराइट लिखकर जो जो भी इसके अंदर गलत सेंटेंस है, गलत वर्ड है, उसको हमें सही करके रीराइट करना है. तो स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट. ओके, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स. स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीव्स. द रूट्स को क्या करती है? सॉइल से वाटर मिनरल्स को अब्सॉर्ब करके कहाँ ट्रांसफर कर देती है बेटा? स्टेम में. और स्टेम से ये चीजें ट्रांसफर होती है कहाँ पर? लीव्स पे. ओके, तो सो रूट कंडक्ट नहीं करती लीव्स तक. लीव्स तक कंडक्ट कौन करता बेटा? स्टेम. तो रूट को कट करके हमें क्या लिखना है? स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीव्स. नेक्स्ट वन, रूट द नंबर ऑफ पेटल्स इन स्टैमन इन फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल. जो हमेशा जो फ्लावर है उसके जो पेटल्स के नंबर है या स्टैमन्स के नंबर है वो हमेशा इक्वल होते हैं. नो, इट इज नॉट टू राइट. द नंबर्स ऑफ पेटल्स ऑफ द स्टैम और स्टैमन्स इन अ फ्लावर मे नॉट ऑलवेज बी इक्वल. कभी कभी हो सकते हैं कुछ फ्लावर्स के अंदर में भी 5 ही पेटल्स हैं और 5 ही उसके अंदर स्टैमन है. ओके, जैसे धतूरा फ्लावर के अंदर हमें 5 ही पेटल मिलते हैं, 5 ही स्टैमन मिलते हैं, बट ये हमेशा ऐसा हो वो पॉसिबल नहीं है. ओके, तो नेक्स्ट वन इज इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंड टुगेदर इट्स पेटल्स आर आल्सो जॉइंड टुगेदर. नेक्स्ट स्टेटमेंट है पेपल्स सेपल्स जो है वो आपस में कनेक्टेड है, तो जरूरी नहीं है कि पेटल्स भी आपस में कनेक्टेड होंगे. तो मे बी दे आर जॉइंड और मे बी दे आर नॉट जॉइंड, दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं. नेक्स्ट, इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंड टुगेदर देन द पिस्टिल इज जॉइंड टू द पेटल. जो पेटल्स के फ्लावर्स है वो आपस में जॉइन है, तो उस टाइम पे पिस्टिल भी जो है वो भी जॉइन होगा उस पेटल्स से. तो इट इज नॉट कंपल्सरी. ओके, इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंड टुगेदर देन द पिस्टिल मे और मे नॉट बी जॉइन टू द पेटल. ओके, नेक्स्ट वन इज ड्रॉ अ लीफ अटैच रूट एंड अ फ्लावर. अपने को डायग्राम ड्रॉ करना है. ओके, डायग्राम में हमें लीव ड्रॉ करनी है, डायग्राम ऑफ लीव, बट इसमें लेबलिंग भी करनी है. ठीक है, लेबल आप क्या करेंगे? देखिए, इन ये जो सेंटर प्रोमिनेंट लाइन है इट इज कॉल्ड अ मिडरिब. साइड लाइंस इज वेन. एंड ये जो ब्रॉड फ्लैट पार्ट होता है, जो पूरा लीव का हमें ब्रॉड फ्लैट पार्ट दिखाई देता है, इट्स अ लैमिना. और जहां से लीफ जो है स्टेम से कनेक्टेड है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज अ पेटल. ओके, तो डायग्राम हमेशा हमें लेबल करना है. अब टैप रूट है, तो टैप रूट में हम क्या करेंगे? हियर इज अ मेन रूट. ओके, और ये जो साइड में रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम क्या बोलेंगे? लेटरल रूट्स. ये जो साइड में छोटी छोटी ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही है, तो ये क्या है? लेटरल रूट्स है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ये जो फ्लावर का डायग्राम है, बिल्कुल सेंटर में क्या है बेटा? पिस्टल. इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओके, और यहाँ पर ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, एंथर एंड लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट इज कॉल्ड अ फिलामेंट. तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? स्टैमन. जो फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है इज कॉल्ड अ पेटल एंड कोरोला. दोनों नाम इसी के होते हैं. ठीक है, पेटल एंड कोरोला. नेक्स्ट, नीचे जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं सेपल, और उसका नेम क्या है बेटा? कैलिक्स. ओके, कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज अ लॉन्ग बट वीक स्टेम? राइट इट्स नेम. इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस इट? यस, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा लॉकी, जिसको हम बॉटल गार्ड भी बोलते हैं. प्लांट नीड सपोर्ट, इनको सपोर्ट की नीड होती है, और ऐसे प्लांट जिनको सपोर्ट की नीड होगी व्हाट वी कॉल इट्स इज अ क्लाइंबर. ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम?
Okay, following are the function of a stem. Stem hold the plant upright. Stem क्या करता है plant को upright direction में hold करने का काम करता है. Next, stem conduct water to the leaves. Stem क्या करता है water को conduct करता है कहाँ से root to the leaves, root से लेकर leaves पे. Next, stem conduct food from leaves to other part of a plant. Stem क्या करेगा conduct करता है food को leaves to the other part of the plant. Leaves से food को grow क्योंकि leaves food prepare करती है तो stem वहाँ से leaves से food लेगा और plant के different parts में transfer करेगा. Okay. Next one is which of the following leaves have a reticulate venation? यहाँ पर बहुत सारे examples दिए हुए हैं wheat, tulsi, maize, rice, grass, coriander and china rose है ना. Reticulate venation कौन सा होगा? Center में midrib and ये आपके side veins होते हैं. Okay. तो ये होता है रेटिकुलेट वेनेशन. किसमें प्रेजेंट होता है? तुलसी, चाइना रोज एंड कोरिएंडर आर द एग्जांपल ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन. दे हैव अ रेटिकुलेट वेनेशन. ओके, नेक्स्ट वन इज इफ अ प्लांट हैज अ फाइब्रस रूट. प्लांट के अंदर क्या है? फाइब्रस रूट है तो व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीव्स. हमने प्रीवियस क्लास में ये अंडरस्टैंड किया था कि हम प्लांट की दोनों चीजों को कनेक्ट करके देख सकते हैं. अगर प्लांट में रूट कैसी होता फाइब्रस रूट है तो विच टाइप ऑफ वेनेशन इज देयर? पैरेलल वेनेशन इज देयर. और इससे जस्ट अपोजिट क्या हो, अगर यहाँ पर मैं कह दू टैप रूट है, सपोज हेयर इज अ टैप रूट, तो विच टाइप ऑफ वेनेशन इज हेयर? रेटिकुलेट वेनेशन. कौन सा होगा? रेटिकुलेट वेनेशन. ये क्वेश्चन दोनों तरफ से पूछ सकते हैं. जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर If a plant has leaves with reticulate venation, अगर कोई प्लांट है जिसकी लीव रेटिकुलेट वेनेशन शो करती है तो what kind of root will it have? तो किस टाइप की रूट होंगी? तो रेटिकुलेट वेनेशन है तो डायरेक्टली हमें पता पड़ जाता है क्या रेटिकुलेट वेनेशन है. तो दैट पर्टिकुलर प्लांट हैव अ टैप रूट. उस प्लांट के अंदर क्या होगा? इट विल हैव अ टैप रूट. ओके, फाइब्रस रूट, पैरेलल वेनेशन, टैप रूट, रेटिकुलेट वेनेशन. ओके, now we move to our next question, question number 8. Is it possible for you to find out whether a plant has tap root or fibrous root by looking at the impression of its leaf on a sheet of the paper? क्या आप एक लीफ के शीट जो भी शीट है उसके ऊपर जो लीफ का इंप्रेशन आया हुआ है उसके रिगार्डिंग आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर टैप रूट होगी और फाइब्रस रूट होगी? तो यस, इट इज पॉसिबल टू फाइंड वेदर अ प्लांट हैज अ टैप रूट और फाइब्रस रूट बाय लुकिंग द इंप्रेशन ऑफ इट्स लीफ ऑन अ शीट पेपर. आप जो भी इंप्रेशन होगा उस शीट पेपर पे हम चेक कर लेंगे कि किस टाइप का है, रेटिकुलेट है, पैरेलल है. उस अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी उस प्लांट की पर्टिकुलर प्लांट की जो रूट है फाइब्रस रूट होगी या टैप रूट होगी. ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. फ्लावर के जो मेन फोर पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे आउटर पार्ट कौन सा होता है? देखो सबसे आउटर पार्ट कौन सा है? सेपल. देन इनसाइड कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर, पेटल. देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्टैमेन. एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज पिस्टिल. पिस्टिल इज डिवाइडेड इंटू अ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टैमेन डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट. Okay. Next one is from the following. From the following plant, which of them have a flower? इनमें से कौन सा प्लांट है जिसमें फ्लावर भी होते हैं? First grass, maize, wheat, chili, tomato, tulsi, peepal, शीशम, बनियन, मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन, शुगर केन, पोटैटो एंड ग्राउंडनट. ये इतने सारे एग्जांपल्स हैं. इनमें से हमें उन प्लांट्स को चूज करना है विच प्लांट हैव अ फ्लावर. ओके, तो फर्स्ट वन इज चिली, टोमेटो, तुलसी, मैंगो, पोमग्रेनेट, लेमन, जामुन एंड गुआवा, पपाया एंड बनाना. ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 11. नेम द पार्ट ऑफ अ प्लांट व्हिच प्रोड्यूस फूड. नेम द प्रोसेस. आप प्लांट में उस पार्ट का पर्टिकुलर पार्ट का नाम बताएं जहां पर फूड प्रोड्यूस होता है और व्हिच टाइप ऑफ प्रोसेस दे यूज.
तो प्लांट का नाम क्या हो जाएगा? लीव्स. लीव्स प्रोड्यूस अ फूड थ्रू अ प्रोसेस. जो प्लांट पार्ट है वो कौन सा है? लीव्स है. और व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस. तो लीव प्रोड्यूस फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस. लीव्स प्रोड्यूस फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज अ फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12. एंड विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू विल फाइंड द ओवरी? Ovary is found in lower most and swollen part of the pistil. Ovary जो है किसी भी flower का सबसे lower most part होता है. Pistil का सबसे lower most part होता है. नीचे swollen part जो pistil का है वही होगा. ठीक है ना? तो हमने read किया था इस question diagram में. देखो ऊपर का flat part stigma, then style. नीचे का जो swollen part है ना pistil का, it is called a, या lower most part जो है pistil का, it is called a ओवरी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू प्लांट्स इन व्हिच वन हैज जॉइंट सेपल एंड अदर हैज अ सेपरेट सेपल. तो जिसमें जॉइंट सेपल्स हैं उनके एग्जांपल एंड जो सेपरेट सेपल्स हैं उनके एग्जांपल देने. जॉइंट सेपल्स के एग्जांपल टूटूरा एंड कॉटन और सेपरेट सेपल्स रोज एंड लोटस. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. व्हाट इज मिडरिब? हियर इज अ थिक वेन. Here is a जो लीफ है उसके अंदर बीज बिल्कुल सेंटर के अंदर थिक वेन जो है, प्रोमिनेंट वेन जो होगी उसी को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड अ मिडरिब. तो देयर इज अ थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ कॉल्ड अ मिडरिब. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डू यू मीन बाय लीफ वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन? तो हम कुछ भी नहीं, इसके अंदर हमें नॉर्मल डिफाइन आपको शो करनी है कि लीफ वेनेशन, पैरेलर वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन किस टाइप की लीफ होगी. ठीक है? तो लीफ वेनेशन, द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड अ लीफ वेनेशन. लीफ के अंदर जो भी इन वेन्स के अकॉर्डिंग जो डिजाइन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? लीफ वेनेशन बोलते हैं. रेटिकुलेट वेनेशन, इफ द डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिडरिब, द वेनेशन इज कॉल्ड अ रेटिकुलेट वेनेशन. जो डिजाइन है नेट लाइक जो स्ट्रक्चर बनता है वेन्स के थ्रू मिडरिब के दोनों तरफ है तो इट इज कॉल्ड अ रेटिकुलेट वेनेशन. ओके, पैरेलल वेनेशन क्या हो जाएगा? इन द लीव्स ऑफ ग्रास द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर. तो लीफ के अंदर जो वेन है वो एक दूसरे की क्या हो? पैरेलल हो. दिस इज कॉल्ड अ पैरेलल वेनेशन. ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेन द मेन फंक्शन ऑफ लीफ. They are following two main function of leaf. First one is transpiration. देखो हमने लीफ में पढ़ा था जब जो लीफ के या प्लांट के अंदर जो वाटर है, जो वाटर कन्वर्ट इंटू अ वाटर वेपर एंड कन्वर्ट इंटू अ वाटर वेपर थ्रू अ स्टोमेटा इज कॉल्ड अ transpiration process. So the extra water comes out the leaves through a stomata in the form of water vapor. So extra water है वो water vapor के form में stomata के through बाहर आता है. This process is called a transpiration. Okay. Next one is photosynthesis. I think you all are very well known about this process. The process by the which leaves prepare their food from water and carbon dioxide in the presence of sunlight and a green color substance is called chlorophyll is called a photosynthesis. रॉ मटेरियल क्या है? वॉटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इसकी प्रेजेंस में सनलाइट एंड ग्रीन कलर सब्सटेंस क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इज कॉल्ड अ फोटोसिंथेसिस. उसे हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 7. Explain the difference taproot and fibrous root with the help of a diagram. Diagram की help से आपको taproot and fibrous root में difference बताना है. There is only one main and long root which has a small root. तो taproot होती है उसमें क्या होता है? एकदम main root होती है बिल्कुल center के अंदर, है ना? और उसमें छोटी छोटी small root side में arise हुई रहती है. Okay. और यहाँ पर जो fibrous root है, no main root is there. Many roots are bound together from the base of the stem in the form of bundle. So, बिल्कुल stem के बिल्कुल नीचे से start हो जाती हैं roots और सब बिल्कुल एक जैसी होती हैं. ठीक है? तो these roots go deep into the soil or more depth. ये जो roots हैं soil के बहुत depth तक जाती हैं, बहुत नीचे तक जाती हैं. And next, these roots do not get go very deep. जो fibrous root है वो बहुत depth तक नहीं जाती, बिल्कुल ऊपर ऊपर होती है. ठीक है?
These root cannot be separated from the soil. अब देखो जो root है बहुत depth तक soil के बहुत inside तक जाएगी, उसको easily soil से separate करना easy होगा या hard होगा? Hard ही होगा, है ना? लेकिन fibrous root क्या करती है, बहुत depth तक नहीं जाती, बहुत deep inside the soil नहीं जाती है, तो इसीलिए these root are easily separated from the soil. Okay? तो taproot में one main root and स्मॉल स्मॉल रूट एराइज होंगी, बट इसमें क्या होता है, नो फाइबरस रूट में नो मेन रूट इज देयर, रूट्स ग्रोन टुगेदर द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बिल्कुल बेस से ये जो रूट्स हैं वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है. ओके, नेक्स्ट रूट क्या हो गया, बहुत डीप तक, बहुत डेप्थ तक जाती है. दिस रूट डू नॉट गो वेरी डीप. दिस रूट कैन नॉट बी सेपरेटेड सॉइल इजिली. दिस रूट इजिली सेपरेटेड फ्रॉम द सॉइल. ओके, found in the plants like weeds have reticulate venation, found in plants like grasses having a parallel venation. So ye jaise example hai jo weeds ho gaye, what is weed? Weed is unwanted plant. aise plants which are not grown by us, jinko hum apne aap grow nahi karte lekin grow ho jate hain, aise unwanted plants ko hum kya bolte hain beta? Weeds. Okay, next is found in the plants like grasses having a, or ye jo fibrous plant hai uske example kya ho gaya, grasses have a parallel venation. Okay, so here is a diagram of taproot and diagram of fibrous root. Okay, next question is question number 4. What are the main function of root? Okay, main function of roots are, root absorb water and mineral from soil for the other parts of the plant. Root क्या करती है, water और mineral को कहाँ से absorb करती है, from soil for the other plant of the plant. क्या सारा जो water और mineral है root अपने पास ही रखती है, आगे transfer कर देती है, आगे transfer करती है, तो other parts of the plant. Next is root hold the plant firmly to the soil. Root plant को hold करके रखती है from the to the soil, soil के अंदर. Some root transform to store food. कुछ roots जो है transform करती हैं food को store करने में, example radish. Okay? तो जो prepare करती है ना leaf food को, तो वो transfer होता है stem के through different part of the plant. ठीक है, तो वो जो food है कई बार क्या होता है, कुछ plants के अंदर store हो जाता है, किसी में stem में store होता है, किसी में root में store होता है, तो उसी के example में ये जो food है वो कहाँ पर store रहता है बेटा, रूट के अंदर. तो रूट का क्या हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा. ठीक है, ओके क्लास, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस. थैंक यू.